हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। आज ये फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 1 है। तो फिजिक्स में हम पार्ट सेकंड पर, आपका फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में बटा है, अब तो बुक कंबाइन आ रही है। तो जो सेकंड पार्ट है आपका फिजिक्स सेकंड जो होगा वो यहाँ पर हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का पहला जो चैप्टर है वो है ठोसों के यांत्रिक गुण। वैसे तो इसमें दो टॉपिक मिलते हैं आपको, ठोसों के यांत्रिक गुण और एक दूसरा टॉपिक होता है तरलों के यांत्रिक गुण। इन दो टॉपिक में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता, दूसरा होगा तरल दाब, तीसरा है द्रवों का पृष्ठ, चौथा है पृष्ठ तनाव। इन दोनों चैप्टर में आपको ये चार चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए। पहला है प्रत्यास्थता, तरल दाब, द्रवों का पृष्ठ, पृष्ठ तनाव। अभी तो हम देखेंगे कि प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इसमें है पहला टॉपिक विरूपक बल। विरूपक बल को इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। विरूपक बल को इंग्लिश में डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। विरूपक बल क्या होता है? विरूपक बल, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल, यदि किसी वस्तु पर हम कोई बल आरोपित करें तो वो बल जिसके कारण वस्तु अपने आकार और आकृति को चेंज कर दे तो उसी को हम विरूपक बल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे रबड़ की एक गेंद ली, रबड़ की एक गेंद है और इस पर हमने बल आरोपित किया, इस पर हमने कोई बल लगाया, तो ये बल लगाने के पश्चात पिचक जाएगी, मतलब पिचक के कुछ ऐसा शेप बन जाएगा इसका, मतलब इसका आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो जिस बल के कारण ये ऐसी हुई है उसी बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। एक बार डिफिनेशन फिर से सुनिए, यदि वस्तु पर आरोपित वह बल जो वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन कर दे उसी बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। इसमें हमने जो रबड़ की गेंद को देखा कि रबड़ की गेंद पर जब हमने बल लगाया तो उसका शेप और साइज दोनों बदल गया, दोनों में चेंज हो गया। तो इसी जो जिस बल के कारण ये चेंज हो रहा है, जिस बल को हम लगा रहे हैं और शेप इसका बिगड़ जा रहा है, उसी बल को हम क्या कहेंगे? विरूपक बल कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अगली हेडिंग डालिएगा प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। प्रत्यास्थ गुण के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठोस वस्तुएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो देखिए, ठोस वस्तुएं पहले तो होंगी
दृढ़ वस्तुएं ठोसों के आधार पर वस्तुओं को तीन भाग में बांटा गया है। दृढ़ वस्तुएं प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ वस्तुएं और तीसरा है सुघट्य या अप्रत्यास्थ वस्तुएं। ठोसों का वर्गीकरण, ठोस वस्तुएं कितने प्रकार की हैं? दृढ़ वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तुएं, सुघट्य या प्रत्यास्थ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? दृढ़ वस्तुएं किसे कहेंगे? पहला इसमें है दृढ़ वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिस पर हम विरूपक बल लगाएं और उसके आकार और आकृति दोनों में ही कोई परिवर्तन न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि आप घरों में दीवार होती है, उस पर कितना भी फोर्स करें, कितना भी फोर्स करें, वो क्या हटेगी अपनी जगह से? नहीं हटेगी। मतलब ऐसी कुछ जिद्दी टाइप की वस्तुएं जो दृढ़ रहें, अपने ही आकार में बनी रहें, उन्हें हम क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तुएं कहेंगे। डिफिनीशन है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो वस्तुएं कैसी वस्तुएं कहलाएंगी? दृढ़ वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे हीरा, हीरा को आप मतलब बल लगाएंगे तो क्या पिचक जाएगी बॉल की तरह? नहीं होगा ऐसा। दीवार, दीवार को क्या हम धक्का देंगे तो वो हट जाएगी? नहीं होगा ऐसा। तो वो सब क्या कैसी वस्तुएं हैं? दृढ़ वस्तुएं हैं। वैसे तो 100% कोई भी वस्तु दृढ़ वस्तु नहीं होती। मतलब ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो 100% दृढ़ हो। फिर भी हम मान के चलते हैं कि जिस पर हम बल लगा रहे हैं और उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दृढ़ वस्तुएं कहेंगे। दूसरा टॉपिक है प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तो वो अपने आकार और आकृति को जो परिवर्तन कर दे रही है और वापस उसी आकार और आकृति में आ जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने पर वस्तु का आकार तथा आकृति में चेंज हो जाए और फिर वापस वो पुनः उसी आकार और आकृति को प्राप्त कर ले, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। मतलब एक बार फिर से डिफिनेशन सुनिए, यदि किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल जब किसी वस्तु पर हम लगाते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट जाए, तो हम ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। मतलब कोई चीज़, मान लीजिए हमने रबड़ की गेंद जो ली थी, अगर हम यहाँ पे उस पर हल्का सा विरूपक बल लगाएं, हल्का सा बल लगाएं, तो वह फिर अपने शेप में वापस आ जाएंगे। हल्का सा अगर स्पंज करेंगे तो वो अपने शेप में पूरा कर देंगे, तो पूरा बल लगा देंगे तो वो पिचक जाएगी। अगर किसी वस्तु को हल्का सा टच करके वो अगर अपने पूर्व अवस्था में आ जा रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। जैसे एक स्प्रिंग है, हमने स्प्रिंग को लिया और उसे थोड़ा सा खींच दिया, फिर खींचने के बाद जैसे ही हम अपने बल को हटा लें तो वो पुनः उसी स्प्रिंग जो पहले जो साइज थी उसी पर दोबारा पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाएगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। तीसरा है अप्रत्यास्थ या सुघट्य।
अप्रत्यास्थ या सुघट वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, विरूपित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सुघट या अप्रत्यास्थ वस्तु। जैसे प्रत्यास्थ में हमने देखा था कि जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं तो वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट जाती है, तो उसे हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाएं और बल को जैसे ही हम हटाएं वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस न लौटे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अप्रत्यास्थ वस्तु या फिर सुघट्य वस्तु कहेंगे। जैसे मोम से बनी कोई वस्तु, जैसे मोम से बनी कोई वस्तु है, जैसे मोम की कोई चीज़ है, आप उस पर बल लगाएंगे, विरूपक बल लगाएंगे, तो वो उसका आकार और आकृति तो चेंज होगा, लेकिन क्या वो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो ऐसी वस्तु क्या कहलाएगी, अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। मिट्टी का कोई चीज़ है, मिट्टी का कोई चीज़ बना लें और फिर उस पर विरूपक बल लगाएं, तो वो भी वापस अपनी पूर्व अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएगी, तो ऐसी वस्तुएं अप्रत्यास्थ या सुघट वस्तुएं कहलाएंगी। जो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लें वो प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएंगी। इन दोनों में एक तरह से यही डिफरेंस है कि प्रत्यास्थ वस्तुएं वो होती हैं जिन पर हम विरूपक बल लगाएं और वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट जाए, लेकिन अप्रत्यास्थ वस्तु जो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त न कर पाए उसे सुघट या अप्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको फिर से रिवाइज करेंगे और हेडिंग वाइज अपनी कॉपी पे नोट्स बना के तैयार करेंगे। धन्यवाद।